लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीबी न्यूज पर। आइए डालते हैं एक नजर आज दिन भर की 20 बड़ी खबरों पर। योगेंद्र यादव ने कहा देश भर के 201 किसान संगठन दिल्ली में करेंगे रैली। स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि केंद्र और हरियाणा की सरकारें अब तक की सबसे अधिक किसान विरोधी सरकारें हैं। उन्होंने कहा है कि किसानों को अपना हक लेने के लिए एकजुट होना होगा तथा 29-30 नवंबर को देश भर के 201 किसान संगठन मिलकर दिल्ली में रैली और प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावी रण में 230 सीटों के लिए उतरे 2907 प्रत्याशी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों के लिए 28 नवंबर को होने वाले चुनाव के सिलसिले में नाम वापसी के बाद कुल 2907 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। इस अहम चुनाव में विपक्षी दल कांग्रेस पिछले 15 साल से सत्तारूढ़ बीजेपी को उखाड़ने के लिए प्रयास कर रही है, जबकि बीजेपी ने लगातार चौथी बार प्रदेश की सत्ता में आने के लिए 200 से ज्यादा सीटों जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी भी जुटाएगी वीएचपी के लिए 25 नवंबर को राम भक्तों की भीड़। मोदी सरकार अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अपना क्या रुख करेगी यह भी स्पष्ट नहीं है, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुसांगिक संगठन विश्व हिंदू परिषद लगातार राम मंदिर निर्माण को लेकर दबाव बढ़ा रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा तेजी से हो रही है सैन्य खरीद, लेकिन रखी जा रही है पूरी निगरानी। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर छिड़े विवाद के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा है कि सैन्य खरीद को आसान बनाया गया है और यह तेजी से हो रही है, लेकिन इसकी पूरी निगरानी हो रही है। 1984 दंगा मामला, अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने दोषी को कोर्ट में मारा थप्पड़। दिल्ली में अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 दंगों के एक दोषी को पटियाला हाउस कोर्ट में थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सिरसा के दोषी को थप्पड़ मारने के बाद पुलिस के साथ उनकी धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही इस वीडियो में दोनों पक्षों की ओर से लगातार अपशब्द कहे जा रहे हैं। पौराणिक स्थलों के दर्शन के लिए रवाना हुई श्री रामायण एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की श्री रामायण एक्सप्रेस 14 नवंबर से शुरू हो गई। विशेष पर्यटक ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ट्रेन भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थलों से होकर गुजरेगी। 16 दिन के यात्रा पैकेज के दौरान सफदरजंग से शुरू हुई ट्रेन का पहला पड़ाव अयोध्या होगा। इसके बाद ट्रेन सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और मदुरै जाएगी। राफेल मामले में गारंटी नहीं होने को लेकर राहुल ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से निशाना साधा और आरोप लगाया है कि लड़ाकू विमान की खरीद के संदर्भ में फ्रांस की तरफ से कोई सरकारी गारंटी नहीं दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने दिए संकेत, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा चुनाव में ले सकते हैं हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने संकेत दिया है कि अगर निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर में राज्य विधानसभा के लिए चुनाव की घोषणा हुई तो उनकी पार्टी चुनाव में हिस्सा जरूर लेगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर चढ़ने लगा है सियासी पारा। टीएमसी ने बनाया नया प्लान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर चल रही राजनीति इस समय अपने चरम पर है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने जितने उत्साहित दिख रहे हैं, ठीक उसके उलट बीरभूम के तृणमूल नेता अनुब्रत मंडल भी इस रथ यात्रा को विफल कराने को लेकर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने इस तरफ से टिप्पणी और अभद्र भाषा का दौर चालू है और कोई किसी को अपने से कम नहीं समझ रहा है। कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज बोले राहुल गांधी नेता नहीं है। कांग्रेस सरकार में पूर्व कानून मंत्री रहे हंसराज भारद्वाज ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नेता मानने से इनकार कर दिया। भारद्वाज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा अभी राहुल नेता नहीं है, जब तक उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा वह नेता नहीं बनेंगे। राहुल गांधी नेता तब बनेंगे जब जनता उन्हें नेता बनाएगी। मराठा आरक्षण को लेकर आयोग ने सौंपी महाराष्ट्र सरकार को रिपोर्ट। सीएम बोले जश्न के लिए तैयार रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द ही मराठा आरक्षण को लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर की एक रैली में कहा पिछड़ा आयोग से हमें मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं आप सभी से कहता हूं कि 1 दिसंबर को जश्न के लिए तैयार रहे। एमपी चुनाव में बीजेपी का बड़ा फैसला, 53 बागी नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। बुधवार देर रात हुई एक मीटिंग के बाद पार्टी के 53 बागियों को निकाल दिया जाएगा। बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बागी नेताओं के खिलाफ यह कार्रवाई की है। निष्कासन की कार्यवाही का पत्र संबंधित जिले के जिला अध्यक्ष द्वारा जिलों से जारी किया जाएगा।
चलती ट्रेन में भी महफूज रहेंगे अभी आप, यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराएगी यूपी 100। अगर आप यूपी में कहीं पर भी ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब चलती ट्रेन में भी आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस सहायता उपलब्ध हो जाए। अब 100 डायल करने पर कंट्रोल रूम से सीधे जीआरपी थाने को फोन की सूचना जाएगी और पुलिस की सुविधा सीधे ट्रेन में यात्रियों को मिल सकेगी। 15 नवंबर से यूपी 100 और जीआरपी आपातकालीन सेवाओं को एक साथ जोड़ा गया है, जिससे ट्रेन में चल रहे यात्री 100 नंबर पर फोन करते ही कंट्रोल रूम को यात्री की लोकेशन मिल जाएगी। कोर्ट ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को तमिल फिल्म दिखाने से रोका। मद्रास उच्च न्यायालय ने 42 केबल और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर तमिल फिल्म कातरीन मोजी दिखाने पर रोक लगा दी है। ये फिल्म 16 नवंबर को रिलीज होनी है। न्यायमूर्ति एम सुंदर ने बुधवार को फिल्म के निर्माता क्रिएटिव एंटरटेनर दायरवाद पर यह अंतरिम रोक लगाई। शिवराज सिंह का बयान, जिस पार्टी का नेता ही हो कंफ्यूज, वो देश क्या संभालेगा। मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनाव से पहले प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात मीडिया से कही। महाराष्ट्र कांग्रेस से सामने आई बड़ी खबर, अशोक चौहान नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जहां सभी राजनीतिक पार्टियां अगले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी से कोशिश शुरू कर चुकी है, वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस से एक अप्रत्याशित खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौहान लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। शशि थरूर के अंग्रेजी ज्ञान पर कुमार विश्वास ने ली चुटकी, कांग्रेस नेता ने दिया जवाब। अपने विशिष्ट अंग्रेजी ज्ञान और कठिन इंग्लिश शब्दों के प्रयोग के कारण सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियां बटोरने वाले शशि थरूर इस कारण एक बार फिर चर्चा में हैं। दरअसल प्रसिद्ध आईपीएस अधिकारी डी रूपा ने एक अफ्रीकी व्यक्ति का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कभी सोचा भी नहीं था कि शशि थरूर का कोई प्रतिस्पर्धी भी मिलेगा। इस पर चुटकी लेते हुए कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, कुंभ के मेले में बिछड़ कर कैमरून जा पहुंचा शशि थरूर जी का भाई, आखिरकार मिल गया। बेंगलुरु में एक्ट्रेस श्रुति हरिहरन की एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई टली। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को अभिनेत्री श्रुति हरिहरन की उस याचिका पर सुनवाई अगले हफ्ते तक टाल दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है। अभिनेता अर्जुन सारजा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली श्रुति ने अपने खिलाफ साइबर अपराध पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने के लिए मंगलवार को अदालत का रुख किया था। जेएनयू में कंडोम मिलने की बात कहने वाले बीजेपी एमएलए ज्ञानदेव को नहीं मिला टिकट। राजस्थान में होने जा रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 31 उम्मीदवारों की दूसरी सूची बुधवार को जारी कर दी है। इस सूची में भी कई चर्चित चेहरों को जगह नहीं दी गई है। दूसरी सूची में जिन 15 विधायकों के टिकट कटे हैं उनमें सर्वाधिक चर्चित नाम अलवर की रामगढ़ सीट से विधायक ज्ञानदेव आहूजा का है। आहूजा 2016 में अपने उस बयान के बाद सुर्खियों में आए थे कि जेएनयू परिसर में प्रतिदिन हजारों कंडोम पाए जाते हैं। मेक इन इंडिया का ब्रांड बना हुनर हाट, 5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि हुनर हाट एक विश्वसनीय ब्रांड बन गया है और अगले साल तक करीब 5 लाख लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मुहैया कराया जाएगा। दोस्तों, इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। आपको हमारी यह न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।